अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम अपनी बेबी के लिए हमारे ड्रेसेस वगैरह से जो एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं उनसे फ्रॉक तैयार करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी कैप्री से बचा हुआ एक्स्ट्रा पीस है, ये हमारी शर्ट से बचे हुए एक्स्ट्रा पीसेस हैं। इनसे हम अपनी फ्रॉक की फ्रिल वगैरह तैयार करेंगे और डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब हम अपनी फ्रॉक के लिए पेटी कट कर लेंगे। हमारा जो सिंपल पीस है कैप्री वाला, इससे हमने पेटी कट करनी है। हमने कुछ इस तरह से इसको ओपन करना है और जो हमें हमारी पेटी की चौड़ाई चाहिए उसके बराबर हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। हमने चौड़ाई 14 इंच लेनी है और इसकी लंबाई हमने 12.5 इंच लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह हमने 12.5 इंच पर निशान लगाकर अपने पीस को कट कर लेना है। हमने डबल फोल्ड करके इस पीस को कट करना है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। इसी तरह हमने जो 12.5 इंच पर निशान लगाया है उसको भी हमने कट कर लेना है। अब हमने सेंटर से भी इसको कट कर लेना है। एक पीस हमारा फ्रंट पार्ट के लिए और एक पीस हमारा बैक पार्ट के लिए है। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। दूसरे पीस को भी हमने इसके ऊपर डबल फोल्ड करते हुए रखना है और अपनी फ्रॉक की पेटी कट कर लेनी है। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे जो हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे, ये भी हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, ये हम 6 इंच पर लगाएंगे। आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और अपने कंधे को गुलाई में शेप दे लेंगे। अब हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम अपने कंधे की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बस, हमने कंधा कट कर लिया है। ऊपर की तरफ हमने 1/2 इंच पर तिरछा कट कर लेना है और नीचे की तरफ भी हमने 1/2 इंच पर गुलाई में शेप देते हुए अपनी पेटी को बराबर कट कर लेना है। अब हम अपनी फ्रॉक का गला कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेनी है और इसकी लंबाई हमने 3.5 इंच लेनी है। आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे हमें गले की गुलाई की शेप देने में आसानी होगी। इसी तरह हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम अपने फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने बैक गले को भी 1.5 इंच पर डीप कट कर लेंगे। आप चाहें तो निशान लगाकर भी कटिंग कर सकते हैं। अब हमने बैक पट्टी बनाने के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने सेंटर से इस पीस को कट कर लेना है बैक पट्टी बनाने के लिए। ये देखिए, हमने फ्रंट और बैक गले की कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब हमारी जो शर्ट के एक्स्ट्रा पीसेज हैं उनको हमने कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करना है। जो हमारी ऊपर वाली फ्रिल है उसको हमने चुनर डालने हैं और जो हमारी नीचे वाली फ्रिल है उनको हमने चुनर नहीं डालने, उनको हमने सिंपल तरीके के साथ ऊपर वाली फ्रिल पर अटैच कर लेना है और एक पीस से हम अपनी फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तमाम पीसेज को हमने सेंटर से बराबर कट कर लेना है। जब तमाम फ्रिल को हम पेटी पर अटैच करेंगे तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इन फ्रिल को पेटी के साथ अटैच करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने फ्रंट गले के लिए पट्टी ली है, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसको हमने डबल फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से गले के नीचे की तरफ रखना है। हमने जो गले की कटिंग की थी उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमने इसको अपने गले के मुताबिक कट कर लिया है। अब हमने जो पट्टी कट की है उसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। इसी तरह हमने अपने बैक पार्ट के लिए भी एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेना है। व्यूअर्स, अगर आप अपनी बेबी के लिए पठानी फ्रॉक तैयार करना चाहते हैं बगैर लेसेस का यूज़ किए, हमारे ड्रेसेस वगैरह से जो एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं उनसे हमने बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल में पठानी फ्रॉक्स तैयार की हैं। अगर आप उनकी कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट करके वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, हमने बैक गले के लिए भी पट्टी कट कर ली है। अब हमने सेंटर से भी अपने बैक गले के मुताबिक पट्टी को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से गले को ओपन करना है और बैक गले के एक्स्ट्रा पीस को भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है और कुछ इस तरह से पट्टी को अपने गले पर रखते हुए अटैच करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी जो एक्स्ट्रा फ्रिल थी इससे हमने अपनी फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग करनी है, जिसकी चौड़ाई हमारे पास 42.5 इंच है और इसकी लंबाई हमने 3 इंच लेनी है। हमने इस एक्स्ट्रा पीस से 3 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। इसी तरह हमने तमाम फ्रिल पर 3 इंच पर निशान लगाकर इसको कट कर लेना है। ये देखिए, हमने फ्रिल कट कर ली है। अब हमारा जो बैक पार्ट के लिए हमने पट्टी कट की थी उसको कुछ इस तरह से सेट करते हुए एक पाँव की सिलाई लगानी है और इसको अपने बैक गले पर अटैच कर लेना है। इसी तरह हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए गला कट किया था उसको भी हमने एक पाँव की सिलाई लगानी है और उसको अपने गले पर अटैच कर लेना है। हमारा जो एक्स्ट्रा पीस था उसको हमने अपने गले के मुताबिक गुलाई में शेप देते हुए कट कर लेना है। ये देखिए बस, हमने अपने फ्रंट पार्ट के गले को स्टिच कर लिया है। अब हमने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं तमाम गले पर। इससे हमें अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करने में आसानी होगी। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और अपने गले को अच्छे से प्रेस कर लेना है।
ये देखिए हमने गले के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमने बैक गले को भी स्टिच कर लिया है। इसके भी हमने हल्के हल्के कट लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसको प्रेस कर लेना है। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने फ्रंट और बैक गले को फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब हमारी जो फ्रिल है उनको हमने स्टेप बाय स्टेप रखते हुए स्टिच कर लेना है। सबसे पहले हमारी जो फ्रंट पार्ट की फ्रिल है वो प्रिंटेड है, उनको हमने कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रखना है और उनको स्टिच कर लेना है सिंपल तरीके के साथ। एक पाँव की सिलाई लगाते हुए हमने तीन फ्रिल आगे की तरफ अटैच करनी है और तीन ही हमने पीछे की तरफ अटैच करनी है। प्रिंटेड पार्ट को हमने फ्रंट साइड पर अटैच करना है और जो हमारी सिंपल फ्रिल है उनको हमने बैक साइड पर अटैच करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने सिंपल तरीके के साथ अपने फ्रंट और बैक पार्ट की फ्रिल को स्टिच कर लिया है। अब हमने ऊपर की साइड जो फ्रिल है उस पर चुनर डालने हैं। हमने मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए इस पर डबल सिलाई लगा ली है। अब हमारे जो ऊपर वाले दो धागे हैं उनको हमने खींचते हुए फ्रिल पर चुनर डाल लेने हैं और इसको अपनी फ्रॉक की पेटी के बराबर कर लेना है। इसी तरह हमने बैक पार्ट पर भी चुनर डाल लेने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी फ्रिल पर पेटी के मुताबिक चुनर डाली है। अब इसको हमने अपनी पेटी के साथ अटैच कर लेना है। पेटी की सीधी साइड पर फ्रिल की सीधी साइड को रखते हुए हमने इनको अटैच करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी फ्रंट और बैक पार्ट पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रिल को अटैच कर लिया है और ऊपर की साइड हमने हाफ पाँव की सिलाई भी लगा ली है। इससे हमने जो फ्रिल पर चुनर डाले हैं उनमें फिनिशिंग आ जाती है। अब हमने जो डिज़ाइनिंग के लिए 3 इंच की पट्टी कट की थी उसकी एक साइड को हमने सिंपल तरीके के साथ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ एक साइड को फोल्ड कर लिया है। ऊपर वाली साइड पर हमने मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए डबल सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी फ्रिल पर चुनर डाल लेंगे। हमने ऊपर वाले दो धागे बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए खींचने हैं, इससे हमारे चुनर अच्छी और फिनिशिंग के साथ डल जाते हैं। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। इसी तरह हमने तमाम फ्रिल पर चुनर डाल लेने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी फ्रिल पर चुनर डाल लिए हैं। अब हम अपनी फ्रॉक का फ्रंट पार्ट लेंगे और गले पर हमने निशान लगाने हैं कंधे की साइड पर। गले से हमने कंधे की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ कंधे पर भी 1 इंच का निशान लगा लेना है। अब हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए जो निशान लगाया है उस निशान से हमने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने नीचे की तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कुछ इस तरह से दोनों साइड से गोलाई में पैटर्न ड्रॉ कर लेना है डिज़ाइनिंग के लिए। ये देखिए हमने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जो फ्रिल स्टिच की थी उसको हमने इस पर अटैच करना है। फ्रिल की सीधी साइड को फ्रॉक की पेटी की सीधी साइड पर रखते हुए हमने स्टिच करना है। हमने जो चुनर डालते वक्त सिलाई लगाई थी उसी पर हमने सिलाई लगाते हुए इस पैटर्न पर फ्रिल को अटैच करना है गोलाई में शेप देते हुए जैसे हमने पैटर्न ड्रॉ किया है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी फ्रिल को पेटी पर अटैच कर लिया है। अब हमने कुछ इस तरह से इसको सीधी तरफ फोल्ड करना है और फ्रिल पर सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा पीसेस से तैयार की हुई फ्रॉक्स वगैरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं, कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो। ये देखिए हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रिल को सीधी तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमारी जो कंधे वाली साइड पर फ्रिल है हमने कुछ इस तरह से 1/2 इंच उसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने फ्रिल को हैंड स्टिच कर लिया है 1/2 इंच फोल्ड करते हुए। हमारी 1/2 फ्रिल हमारे कंधे की सिलाई में स्टिच होगी और 1/2 हमारी स्टिच नहीं होगी। अब हमारे जो फ्रॉक के कंधे हैं उनको हमने स्टिच कर लेना है। हमने सिंपल तरीके के साथ कुछ इस तरह से कपड़े को उल्टी साइड पर फोल्ड करते हुए एक पाँव की सिलाई लगा लेनी है। हमने दोनों पार्ट को अटैच करने से पहले अपने कंधे स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है दोनों साइड से और इनको स्टिच कर लेना है। इसी तरह हमने बैक पार्ट को स्टिच करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने फ्रंट और बैक पार्ट के कंधे स्टिच कर लिए हैं। अब हमने फ्रॉक के दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है। कुछ इस तरह से फ्रिल को हमने नीचे की तरफ करते हुए स्टिच करना है अपने दोनों पार्ट को। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगानी है। हमारी जो गले वाली साइड पर फ्रिल है उसको हमने कंधे के साथ स्टिच कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमने जो फ्रिल अटैच की थी उस पर हमने पल्स अटैच कर लेने हैं। कुछ इस तरह से हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए तमाम पल्स को अटैच कर लेना है फ्रिल पर। ये देखिए व्यूअर्स, मुकम्मल स्टिच होने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।